हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन 4, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला है कि आप वह लीस्ट नंबर फाइंड कीजिए जो इससे सब्ट्रैक्ट किए जाने पर जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो परफेक्ट स्क्वायर तो बने ही, साथ में उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। दैट्स ओके। अब सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट नंबर है 402, तो हम 402 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ये नंबर है 402। देखो स्टूडेंट, वंस की साइड से पेयर बनाएंगे तो ये 02 का पेयर हुआ और 4 नॉन पेयर रह गया। अब हम ट्राई करें, 2 2 टाइम 4। अब यह 2 यहां रखा, ऐड किया, 2 प्लस 2 4 हो गया। इसके बाद में 02 कैरी किया, 02 कैरी किया। अब देखो 4 के सामने हम 1 भी यूज करें तो ये 41 हो गया, इट इज ग्रेटर, इसीलिए हम यहां पर 0 टाइम करेंगे तो ये 40 0 जा 0 हो गया। हमारा रिमाइंडर क्या आया, 2, इसीलिए वह नंबर 2 है जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पर नोट करें, हेयर वी गॉट 2 एज ए रिमाइंडर, सो 2 शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। दैट्स ओके। अब ये 402 है, इससे हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर हुआ 400। अब 400 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। देखो ये नंबर है 400, ये पेयर हो गया, 4 नॉन पेयर है। हम करें 2 2 टाइम 4, रिमेनिंग नथिंग, 2 यहां रख के ऐड किया, आंसर 4 हो गया, कैरी डाउन 0। अब 0 टाइम ही करें, इज इक्वल 0। इस तरह से यह हुआ रूट 400 इज इक्वल 20। दैट्स ओके। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट सेकेंड 1989। देखो 1 पेयर ये हो गया, 1 पेयर ये हो गया, तो 19 के लिए तो 4 4 टाइम 16 ज्यादा सुटेबल है। हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यह 3 रिमेनिंग हुआ, 4 को यहां रख के ऐड किया तो ये 4 प्लस 4 8 हो गए और यह 89 कैरी डाउन किया। अब हम 4 टाइम ट्राई करें तो यह 4 4 जा 16 6 कैरी ओवर 1 और 8 4 जा 32 एंड 1 33, और 5 टाइम करेंगे तो 8 4 जा 40 ग्रेटर हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करें, ये 3 ये 5, यहाँ रिमाइंडर है 53। यहाँ नोट करें, हियर वी गॉट 53 एज अ रिमाइंडर, सो वी शुड सब्ट्रैक्ट 53 टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। अब ये है 1989, आप इससे 53 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9 माइनस 3 6 हो गया और 8 माइनस 5 3 हो गया और ये 19 सेम है। अब हम इसके स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। देखो 1936 है, 1 पेयर ये हो गया, सेकंड पेयर यह हो गया। अब आप यहाँ 4 टाइम ही करें, 4 4 जा 16,
यहाँ रिमेनिंग हुआ 3, ये 4 यहाँ रख के ऐड किया तो यह 8 हो गया। अब ये 36 कैरी डाउन किया, यहाँ नोट करें 36। अब 4 टाइम ट्राई करते हैं, 4 जा 16, कैरी ओवर 1, 8 4 टाइम 32 प्लस 1 इट इज 33, दैट्स ओके। इस तरह से ये हो गया रूट 1936 इज इक्वल 44। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 3rd 3250। स्टूडेंट्स इसके स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये नंबर है 3250। देखो वन पेयर ये, सेकंड पेयर ये, तो यहाँ तो 5 टाइम 25 मोर सुटेबल है। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 माइनस 25 87। आप 5 यहाँ रखें, ऐड करें, 5 प्लस 5 10 हो गए। अब 50 कैरी डाउन किया। अब हम 7 टाइम ट्राई करें, 7 टाइम 49 कैरी ओवर 4 एंड 10 7 टाइम 70 प्लस 4 इट इज 74। सब्ट्रैक्ट करें 50 माइनस 49 इट इज 1, तो यहां रिमेनिंग क्या है 1। इसीलिए नोट करें हियर वी गॉट 1 एज ए रिमाइंडर, सो 1 शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब आप 3250 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 3249। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये है 3249। देखो वन पेयर ये हो गया, सेकंड पेयर ये हो गया। यहाँ आप करें 5 टाइम 25, इसे सब्ट्रैक्ट करें तो 32 माइनस 25 7 हो गया। आपने 5 यहाँ रख के ऐड किया, ये 10 हो गया, 49 कैरी डाउन किया। अब हम 7 टाइम करते हैं, 7 टाइम 49 कैरी ओवर 4, 10 7 टाइम 70 प्लस 4 इट इज 74। इस तरह से ये हो गया रूट 3249 इज इक्वल 57, दैट्स ओके। नाउ पार्ट 4th 825। स्टूडेंट्स अब हम 825 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ये है 825। देखो ये पेयर है, ये नॉन पेयर है, 3 टाइम 9 ये तो ओवर हो गया, इसीलिए हम ट्राई करेंगे 2 टाइम 2 टाइम 4। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह 4 हो गया, इस 2 को यहाँ रख के ऐड करेंगे तो यह 2 प्लस 2 4 हो गया। 25 को कैरी डाउन किया। अब हम यहाँ 8 टाइम ट्राई करें, 8 जा 64 कैरी ओवर 6 और 4 8 जा 32 एंड 6 38, इसे सब्ट्रैक्ट करें तो ये 1 हो गया रिमेनिंग और यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ रिटर्न करें, हियर वी गॉट 41 एज ए रिमाइंडर, सो 41 शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम 825 से 41 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो 5 माइनस 1 ये 4 हो गए और ये 12 माइनस 4 ये 8 हुआ और 8 के प्लेस पर हो गया 7। स्टूडेंट अब हम 784 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, 784 देखो ये 2 टाइम 4 हो गया, सब्ट्रैक्ट किया तो 3 रिमाइंडर हुआ, यह 2 यहाँ रख के ऐड किया, 2 प्लस 2 4 हो गया। अब यह 84 कैरी डाउन किया। अब 8 टाइम ट्राई करते हैं, 8 जा
64, 4 8 times 32 plus 6 it is 38. That's okay. इस तरह से ये हुआ रूट 784 is equal 28. That's okay. Students, अब next question करते हैं. देखो ये है part 5th 4000. Student, सबसे पहले हम 4000 का स्क्वायर रूट करने की कोशिश करते हैं. देखो ये है 4000. सबसे पहले पेयर बनाएंगे. ये पेयर हो गया और ये पेयर हो गया. तो यहाँ तो 6 6 टाइम 36 ही सूटेबल होगा. अब यह 6 यहाँ पर रख के ऐड कर लिया तो यह 12 हो गया. इसे सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 4 हो गया. अब 3 टाइम ट्राई करें. 3 जा 9 12 3 जा 36. अब सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया. इस तरह से 31 रिमाइंडर हुआ. यहाँ रिटर्न करें, हियर वी गॉट 31 एज ए रिमाइंडर. सो 31 शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक परफेक्ट स्क्वायर. अब हम 4000 से 31 सब्ट्रैक्ट करते हैं. देखो ये 10 माइनस 1 ये 9 हो गए और ये 9 माइनस 3 6 और ये 9 हुआ और ये 4 के प्लेस पर हो गया 3. आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपना प्रॉपर वे में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. दैट्स ओके स्टूडेंट. अब हम 3969 का स्क्वायर रूट निकालते हैं. देखो 6 6 जा 36 ये सब्ट्रैक्ट किया तो 3 हो गया. ये 69 6 में 6 ऐड किया 12 हो गया. अब 3 टाइम ट्राई करते हैं. 3 3 जा 9 एंड 12 3 जा 36. इस तरह से आंसर हुआ 63. यहां नोट करें रूट 3 9 6 9 is equal 63. दैट्स ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन 5. फाइंड द लीस्ट नंबर which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. Students, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आप वह least number find कीजिए जिसको हम add कर दें तो जो हमारा number find होगा वो perfect square हो और उसके बाद में ऐड करके जो नंबर ऑब्टेन हो रहा है उस नंबर का आप स्क्वायर रूट भी फाइंड करें. दैट्स ओके. जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सब्ट्रैक्शन किया था इसमें ऐड करना है. ये फर्स्ट नंबर है 525. स्टूडेंट सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट नंबर है 525 इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं. ये नंबर है 525. फर्स्ट आप पेयर बनाएंगे इधर से. ये फर्स्ट पेयर हो गया और 5 सिंगल रह जाता है. अब देखो ये है 2 2 या 4. इसे सब्ट्रैक्ट किया आंसर 1 हो गया. इस 2 को यहाँ रख के ऐड किया ये 4 हो गया. अब हमने यह पेयर 25 कैरी डाउन कर लिया 25. अब देखो हम यहाँ 3 लेते हैं तो ये 3 3 या 9 और 4 3 जा 12 ये ग्रेटर हो गया. मीन्स यह नंबर सुइटेबल नहीं है इसीलिए हम यहाँ पर नंबर लेंगे 2. अब यहाँ नोट करेंगे 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8. अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लें ये 1 रिमेनिंग हो गया और ये 4 रिमेनिंग हो गया. नाउ वी गॉट 22. राइट हियर 23 इज ग्रेटर देन 22. हमारा यह आंसर 22 है ना और 22 से नेक्स्ट ग्रेटर नंबर होता है 23. इसके बाद यहां रिटर्न करेंगे द नंबर शुड बी एडेड इज इक्वल 23 स्क्वायर माइनस 525. ये जो हमारा नंबर आया ना इसके 1 ग्रेट के स्क्वायर से हमको यह नंबर सब्ट्रैक्ट करना है. द
तब हमको पता चलेगा कि हमको क्या नंबर ऐड करना चाहिए। ये 23 का स्क्वायर है, क्या होगा 23 का स्क्वायर? 23 मल्टीप्लाई बाई 23, देखो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये 9, 6 2 जा 12, 4 and 1 5, इस तरह से हो गया 529। यहां नोट करें इज इक्वल 529 माइनस 525। ये 529 से 525 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर हुआ 4। इट मींस आपने 525 में 4 ऐड करना है जिससे यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ऐड करते हैं 525 प्लस 4 इज इक्वल 529। स्टूडेंट्स अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। आपका नंबर बना है 529। देखो 1 पेयर ये हो गया, 5 सिंगल है, इस तरह से ये हुआ 2 2 टाइम 4। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 रिमाइंडर होगा, 2 यहां रख के ऐड किया ये 4 हो गया और 29 आपने कैरी डाउन किया 29। अब इसे 3 टाइम ट्राई करते हैं, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, दैट्स ओके, इस तरह से ये 23 हो गया। यहां नोट करें रूट 529 इज इक्वल 23, दैट्स ओके। आपको ठीक से समझ आ गया होगा, इसे एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो जैसे आपको नंबर दिया गया है 525, सबसे पहले आपने 525 का स्क्वायर रूट फाइंड किया जो कि 22 आया। इसके बाद में जो आपका स्क्वायर रूट आया है उससे 1 ग्रेटर नंबर लेना है। 22 से ग्रेट क्या है? 23। यहां रिटर्न किया 23 इज ग्रेटर देन 22। इसके बाद वह नंबर जो आपने ऐड करना है वह होगा इसका स्क्वायर माइनस ये नंबर, मींस 23 स्क्वायर माइनस 525। इस तरह से ये नंबर हो गया 4। आप 525 में 4 ऐड कर लेंगे, आंसर आया ये 529। अब आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया जो कि 23 है, दैट्स ओके। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नाउ पार्ट सेकेंड 1750। स्टूडेंट अब हम इस नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ये नंबर है 1750। आप पेयर करेंगे, 1 पेयर ये हो गया, 2 पेयर ये हो गया। हियर 4 4 टाइम 16 सब्ट्रैक्ट किया, 1 रिमाइंडर हुआ, ये 4 यहां रख के ऐड किया या 8 हो गया। नाउ कैरी डाउन 50। देखो हम यहां पर 2 यूज करते हैं तो ये 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16, इट इज ग्रेटर, इट इज नॉट सुटेबल, सो हियर यूज ओनली 1 1 1 टाइम 1 एंड 8 1 टाइम 8। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, 10 माइनस 1 इट इज 9, इट इज 14 माइनस 8, सो इट इज 6, दैट्स ओके। यू गॉट 41 एज स्क्वायर रूट। नाउ राइट हियर 42 इज ग्रेटर देन 41, द नंबर शुड बी एडेड इज इक्वल 42 स्क्वायर माइनस 1750। नाउ गेट स्क्वायर ऑफ 42, इट इज 42 मल्टीप्लाई बाई 42, 2 2 टाइम 4 एंड 2 4 टाइम 8, इट इज 4 2 टाइम 8 एंड 4 4 टाइम 16, एड इट इज 4
8 plus 8, 16. 6 and 1, 7. And it is 1. So it is 1764. Is equal 1764 minus 1750. Students, now you subtract 4 minus 0, it is 4. 6 minus 5, it is 1. 17 minus 17, it is 0. So you got 14 here. It means the number which you need to add, it is 14. वह नंबर जो आपको ऐड करना है वह 14 है. Now add 14 with 1750. Write here 1750 plus 14 is equal. See here 0 plus 4, it is 4. 5 plus 1, it is 6. And this one 17. You got 1764. Now find square root of 1764. We are going to find square root of 1764. Write here 1764. Make pair 4 times 16. Subtract, remainder is 1, write 4 here and add 4 plus 4, it is 8, carry down 64. Now try only 2 times, 2 to the 4 and 8 to the 16. That's okay. You got 42 as a square root. Now write here root 1764 is equal 42. That's okay. Now next part. Part third, 252. Find square root of 252. 252. This is one pair and two is single. Write here 1 time 1. Subtract, remaining is 1, write 1 here and add 1 plus 1, it is 2. Now carry down 52. If we try 6 times, 6 is 36, carry over 3, 2 6 is 12 and 3 15. 8 is greater, so not suitable. Then try only 5 times. 5 ja 25, carry over 2, 2 5 times 10 and 2, it is 12. Now subtract, 12 minus 5, it is 7, it is 4 minus 2, so it is 2. Like this, we got here 15 and write here 16 is greater than 15. The number should be added is equal 16 square minus 252. Now find the square of 16. It is 16 multiplied by 16. 6 times 36. 6 1 times 6 plus 3 9. 6 1 times 6 and 1 times 1. Add 6. 9 plus 6 15 and 1 plus 1. So it is 256. This is 256 minus 52. 6 minus 2 is equal 4 and 25 minus 25, it is 0. The number you need to add, the number should be added, it is 4. That's okay. Now add 4. We have 225. We have 252. 252. Add 4 with it. 2 plus 4. It is 6. 5 and 2 same as. So it is 256.
Now find square root of 256. 256. This is one pair and it is single. 1, 1 time 1, subtract 2 minus 1, it is 1. This one add here, 1 plus 1, it is 2. Now 56, carry down. Now try 6 time. 6, 6 is 36 and 2, 6 is 12 plus 3, it is 15. Right here 15. You got 16 as a square root. Write down root 256 is equal 16. That's okay. Now next part. It is part 4, 1825. Try to find square root of 1825. 1825. One pair and second pair. It is 4, 4 is 16. Subtract, remaining is 2. 4 here and add 4 plus 4, it is 8. Now carry down 25. If we try 3 times, 8 3 times 24, it is greater. So try only 2 times. 2 to the 4 and 8 to the 16. Now subtract, it is 1 and it is 6. You got 42. Now write here 43 is greater than 42. The numbers should be added is equal 43 square minus 1825. Now find square of 43. 43 multiply by 43. 3 3 is 9, 4 3 is 12. Now 4 3 is 12. And 4, 4 is 16 plus 1, 17. Add, it is 9. 2 plus 2, 4. 1 plus 7, 8. Plus 1, it is 1849. It is 1849. And it is 1825. Now subtract 9 minus 5, it is 4. Of 4 minus 2, it is 2. 18 minus 18, it is 0. So you got 24. The number should be added, it is 24. That's okay. Now add 24 to this one. 1825. Add 24. 4 plus 5, 9. 2 plus 2, 4 and 18. It is 1849. Now find the square root of 1849. 1849. Now try 4 times 16. Subtract, remaining is 2. Write 4 here and add 4 plus 4, it is 8. Carry down 49. Now try 3 times. 3 3 is 9 and 8 3 is 24. That's okay. You got 43 as square root. Now write here root 1849 is equal 43. That's okay. Now next part. It is part 5th, 6412. 6412. Make pair. It is 8, 8 is 64. Add 8 here. 8 plus 8, 16. Carry down 12. Now 0 time, 0 is 0, you got 80,
राइट हियर 81 इज ग्रेटर देन 80, सो द नंबर शुड बी एडेड इज इक्वल 81 का स्क्वायर माइनस 6412. 81 का स्क्वायर 81 इंटू 81, 81 टाइम 81, 81 टाइम 8, 88 जा 64. एड दिस वन, दिस इज 1, 8 प्लस 8 16, 4 प्लस 1 5 86, सो इट इज 6561. 6561 माइनस 6412. Now subtract it. It is 1. Carry. Come here. So it is 11. Minus 2 is equal 9. This is 5. Subtract 1. So it is 4. 5 minus 4. It is 1. You got the number should be added is equal 149. Now add this one. It is 6412. Add 149, 9 plus 2, 11, 4 plus 1, 5, and 1, 6, 4 plus 1, 5, and 6, it is 6561, 6561. Now find the square root of this number. Write here 6561, 8, 8 जा 64, subtract, add 8 here, it is 16, carry down 61, now only one time, 1 1 जा 1 and 16 1 जा 16, so you got 81. Now write here root 6561 is equal 81. That's okay. Question 6. Find the length of the side of a square whose area is 441 meter. Students, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि आप length of side find कीजिए एक square की जिसका area 441 meter square है. Student, मान लेते हैं कि यह एक square है. इसका एरिया 441 मीटर स्क्वायर है. आपने इसके ये लेंथ ऑफ साइड फाइंड करना है. दैट्स ओके स्टूडेंट. यहाँ आपको गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 441 मीटर स्क्वायर. यहाँ नोट करें एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 441 मीटर स्क्वायर. स्टूडेंट्स, आप इसका फॉर्मूला तो जानते होंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, या आप इसे साइड स्क्वायर बोल सकते हो. यहीं से फॉर्मूला बन जाता है लेंथ ऑफ स्क्वायर, ये होता है रूट एरिया. आप लेंथ ऑफ स्क्वायर फाइंड करने जा रहे हैं, एरिया आपको 441 मीटर स्क्वायर गिवन है, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे. स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट निकालना तो आप अच्छे से समझ गए. हम 441 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं. 441, देखो ये 2 टाइम 4 हो गया. इस 2 को यहां रख के ऐड किया, ये 4 हो गया और ये 41 कैरी कर लिया. अब ये वन टाइम करते हैं, 41 इस तरह से ये हो गया 21. यहाँ नोट करें इज इक्वल 21 मीटर. दैट्स ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन 7. इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल 90. पार्ट 1. इफ एबी इज इक्वल 6 सेंटीमीटर BC is equal 8 cm, find AC. Part 2. If AC is equal 13 cm, BC is equal 5 cm, find AB. Students,
सबसे पहले इसका पार्ट ए करते हैं। ए बी इज इक्वल 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। यहाँ हमको ए सी फाइंड करना है। स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला है कि एंगल बी 90 डिग्री है। देखो 90 डिग्री तो ये है ना, इसीलिए इस पॉइंट को हम बी नेम देते हैं, इसे ए नेम देते हैं और इसे सी नेम देते हैं। यहाँ आपको ए बी इज इक्वल 6 सेंटीमीटर दिया है, ये 6 सेंटीमीटर है, और बी सी 8 सेंटीमीटर दिया है, ये 8 सेंटीमीटर है। आपने ये ए सी साइड फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, आप एक रूल बहुत अच्छे से जानते हैं, पाइथागोरस, क्या? ए सी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी तो हमें फाइंड करना है और ए बी हमको 6 सेंटीमीटर गिवन है और बी सी 8 सेंटीमीटर गिवन है। इस तरह से ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, 6 का स्क्वायर में 6 टाइम 36 हो गया, प्लस 8 का स्क्वायर इट मीन्स 8 टाइम 64 हो गया। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 36 प्लस 64 ये 100 हो गया। इट मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल 100 है। ए सी हो गया रूट 100। स्टूडेंट्स, 100 का स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं, ये 100 नोट करें। देखो ये 1 पेयर हो गया और ये 1 सिंगल है। आप करेंगे 1 टाइम 1, सबट्रैक्ट किया, नथिंग रिमेनिंग। ये 1 यहाँ रख के ऐड किया, 1 प्लस 1 2 हो गया, ये 00 कैरी डाउन किया। अब देखो 0 टाइम करते हैं तो 00 या 0, इस तरह से आंसर हो गया 10। यहां नोट कर दें इज इक्वल 10 सेंटीमीटर। दैट्स ओके। यहां आपने ए सी फाइंड करना था जो कि 10 सेंटीमीटर है। ये साइड आपकी आती है 10 सेंटीमीटर, ये साइड आपकी हो जाती है 10 सेंटीमीटर। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। देखो आप सेम ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, इसे ए नेम दें, इसे बी और इसे सी। देखो स्टूडेंट, आपने वही फॉर्मूला यूज करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी आपको 13 सेंटीमीटर गिवन है, ये 13 सेंटीमीटर है, और बी सी 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये 5 सेंटीमीटर है। आपने ए बी फाइंड करना है। ए सी कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर करें, मीन्स 13 का स्क्वायर इज इक्वल ए बी हमें फाइंड करना है। यहाँ सेम एज ए बी स्क्वायर नोट करें, प्लस बी सी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 5 का स्क्वायर करें तो ये 13 का स्क्वायर, 13 इंटू 13 ये 169 हो गया, इज इक्वल ए बी जो कि आपने फाइंड करना है, और ये 5 का स्क्वायर ये हो गया 25। देखो ये 169 अपने प्लेस पर है, इज इक्वल, और ये 25 को हम साइड चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव 25 हो जाएगा, इज इक्वल ए बी स्क्वायर है। अब 169 माइनस 25 करोगे तो ये 144 हो जाएगा, इज इक्वल ए बी स्क्वायर। तो यह ए बी इज इक्वल रूट
144 हो गया। अब हम 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 144 ये जो है 44 का पेयर बन गया, वन सिंगल है। तो आप करें 1 1 टाइम 1, इसे सब्ट्रैक्ट करें, ये 44 हो गया। कैरी राउंड करें, 44 यह 1 यहाँ रख के ऐड करें, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब इसे 2 टाइम करें, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, इस तरह से इसका आंसर हो गया 12। इज इक्वल हो गया 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये वाली साइड है, इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर होती है। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चन 8। अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। ही वांट टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन्स सेम। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक गार्डनर के पास में 1000 प्लांट्स हैं। वह इन प्लांट्स को इस तरह से प्लांट करना चाहता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहें। आपने मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स बताने हैं जो कि उसको नीड होगी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम करने के लिए। स्टूडेंट, इसके लिए ये जो 1000 है ना, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ये 1000 है, देखो 1 पेयर ये हो गया, सेकंड पेयर ये है। इसके लिए सूटेबल है 3 3 टाइम 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 रिमेनिंग हो गया, ये 3 यहाँ रख के ऐड किया, 6 हो गया। ये 00 कैरी डाउन किया। अब हम 2 टाइम करेंगे तो ये डेटा हो जाएगा, इसीलिए 1 टाइम ही करते हैं। अब देखो 61, 1 टाइम 61 हो गया। इन्हें सब्ट्रैक्ट करें, 10 माइनस 1 9 हो गया, और ये 9 माइनस 6 3 हो गया। इस तरह से 39 हुआ और इसका स्क्वायर रूट आता है 31। स्टूडेंट, अब हमको जो आपने किया था ना, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, क्योंकि यहाँ हमें फाइंड करना है उसे मोर कितने प्लांट्स की नीड होगी, उसे मोर कितने प्लांट्स की नीड होगी। इट मीन्स हम इसमें क्या ऐड करें, तो वही वाला रूल अप्लाई होगा। 32 इज ग्रेटर देन 31। यहां नोट करें, नंबर ऑफ प्लांट ही नीड मोर इज इक्वल 32 का स्क्वायर माइनस 1000। 32 का स्क्वायर क्या होगा, 32 मल्टीप्लाई बाई 32। देखो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इन्हें ऐड करें, इट इज 4, 6 प्लस 6 12, 9 प्लस 1 10। ये 1024 हो गया, इज इक्वल 1024। ये माइनस 1000 करना है, इज इक्वल आंसर हुआ 24। इट मीन्स उसे 24 प्लांट्स की नीड होगी। यहां नोट कर लें, ही नीड 24 मोर प्लांट्स। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 9। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल। दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला गया है कि एक स्कूल में 500 चिल्ड्रन है पीटी ड्रिल के लिए। उन स्टूडेंट्स को इस तरह से स्टैंड करना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहे। तो आपने बताना है कि इस अरेंजमेंट में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट हो जाएंगे, छूट जाएंगे। स्टूडेंट, इसके लिए हमें कुछ नहीं, सिंपली स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये हमारा नंबर है 500। देखो ये पेयर हो गया, ये नॉन पेयर है। आप करें 2 2 टाइम 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 रिमेनिंग हो गया। ये 2 यहाँ रख के ऐड किया,
ये 2+2 4 हो गया, ये 00 कैरी किया, 00 कैरी किया। अब हम 2 टाइम ट्राई करें, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो 10-4 6 हो गया, 9-8 1 हो गया, इस तरह से 16 रिमेनिंग होता है। मीन्स 16 स्टूडेंट इस अरेंजमेंट से लेफ्ट आउट होंगे। यहाँ नोट करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट इज इक्वल 16। दैट्स ओके। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाए। सनातन कथा।